नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब बहुत ही जल्द आपकी एक टेंशन दूर होने वाली है, वो ये कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, कई बार ऐसा होता है कि वो कहीं पर आप रखते हैं और भूल जाते हैं, कहीं पर वो गुम हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। एक ही जगह इंश्योरेंस पॉलिसी रखने का जो आपका एक जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है वो आपके सामने जल्द ही आने वाला है। वो कैसे हो सकता है? डिजी लॉकर के जरिए। आप में से कई लोगों के डिजी लॉकर होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे कि डिजी लॉकर क्या होता है। तो डिजी लॉकर में जल्दी आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी एक जगह सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके फायदे क्या हो सकते हैं, जरा समझेंगे आज हम अपने इस खास पेशकश में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पंकज मठपाल, MD ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ है महावीर चोपड़ा, फाउंडर एंड CEO बेशक.org। महावीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है मनी गुरु में। क्या खास अपने दोनों ही हम खास मेहमानों से चर्चा करने जा रहे हैं, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे क्या है डिजी लॉकर, डिजिटल फॉर्म में पॉलिसी रखने के क्या है फायदे, कौन कौन से दस्तावेज आप रख सकते हैं डिजी लॉकर में, साथ ही आप कैसे खोल सकते हैं डिजी लॉकर अकाउंट। तो अब डिजी लॉकर में इंश्योरेंस क्या खास है, IRDAI ने क्या कहा है, जरा सबसे पहले समझते हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहते हैं, मतलब सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है डिजी लॉकर में अब आसानी से रखी जा सकती है, क्या कहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर ने? कहा है कि अब सभी इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहकों को बताएं इस बात की इंपॉर्टेंस की क्या होती है, और ये सुविधा दे कि डिजी लॉकर में ये जो पॉलिसी होती है वो डायरेक्टली डिजी लॉकर में आ जाए। स्वाति, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को डिजी लॉकर के बारे में ना भी पता हो, क्योंकि गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स तो बहुत लोग आजकल यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्लाउड स्टोरेज के बारे में ना जानकारी हो। तो संक्षिप्त में ये बता दूं कि जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव में रखते हैं या किसी भी जो क्लाउड पर आपके इस तरह से स्टोरेज होती है वहां रखते हैं, इस तरह से ही डिजी लॉकर होता है। बट अंतर यह है कि ये भारत सरकार का एक सुविधा है, तो यहाँ पर जो भी चीजें जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अगर वो इशू की गई हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी मान्यता जिस तरह से एक फिजिकल डॉक्यूमेंट की होती है उतनी मानी जाती है। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर किसी और ड्राइव में रख रहे हैं बल्कि उसके मुकाबले में डिजी लॉकर में रखते हैं तो उसकी मान्यता बढ़ जाती है। तो सुविधाजनक भी होगा कि कभी भी जो पॉलिसी होल्डर है अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर रख पाएगा, या पॉलिसी इश्यू होते ही ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी और बहुत सारी सुविधाएं उससे पॉलिसी होल्डर को मिलेंगी। ओके, महावीर जी, आप समझना चाहेंगे अभी मौजूदा समय में कैसी दिक्कतें हैं या कैसी परेशानियां हैं जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज या दस्तावेज होते हैं वो रखने में होती हैं, जो कि IRDAI ने ज़रूरत समझी कि जो बीमा कंपनियां हैं वो जो कस्टमर्स हैं उनको ज़रूरत बताए कि डिजी लॉकर में आप रख सकते हैं सुरक्षित अपना इंश्योरेंस पॉलिसी और तमाम दस्तावेज। इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरीके से समझे और कस्टमर के लिए कैसे फायदेमंद है ये? ये बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेप लिया है आईने। बेसिकली तीन टाइप की प्रॉब्लम्स कस्टमर को फेस होती है यूजुअली। अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी भी पॉलिसी खरीदी है या किसी ने भी पॉलिसी खरीदी है, आपके व्यूअर्स ने पॉलिसी खरीदी है, तो तीन टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसमें से पहली प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी टाइम पे नहीं मिलना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पॉलिसी खरीद लिया, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर लिया, आपने एजेंट से पॉलिसी खरीद ली, लेकिन ऐसा होता है कि आपको पॉलिसी एक्चुअली डिलीवर नहीं होती है। इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद आपका ईमेल बॉक्स में वो स्पैम फोल्डर में चले जाए, या आपके घर पे वो पहुंचे लेकिन आप घर पे ना हो और वो वापस रिटर्न हो जाए पॉलिसी। इस केस में, डिजी लॉकर के केस में, आपका डायरेक्टली आपका जो डिजी लॉकर है उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी की जो वेबसाइट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड रहेगा, तो आपकी पॉलिसी डायरेक्टली डिलीवर होगी। दूसरा जो चीज है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी खो जाना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम शिफ्ट करते हैं घर से दूसरे घर में या दूसरी कोई कारण की वजह, क्योंकि हम बहुत सारे फाइल्स मेंटेन करते हैं, या जैसे पंकज जी ने कहा कि गूगल ड्राइव में कुछ मेंटेन करते हैं, पर गूगल ड्राइव इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स सब मिक्स हो जाते हैं और आपको खो जाना है, बहुत ऐसा हो सकता है कि आपकी पॉलिसी खो जाए। तो इस केस में आपका ये होगा कि आपकी पॉलिसी
एक अच्छे सिक्योर फोल्डर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है वो फोल्डर में सिक्योर्ड रहेगी, एक वोल्ट में आपकी सिक्योर्ड रहेगी। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में और एक्चुअली बहुत सालों से फ्रॉड चला आ रहा है इंश्योरेंस पॉलिसीज का। इसमें ये होता है कि आपने किसी से पॉलिसी खरीदी लेकिन वो पॉलिसी कभी कभी डुप्लीकेट होती है, या वो पॉलिसी एक्चुअली एक्टिव नहीं होती है, या वो पॉलिसी जो होती है वो गलत होती है, या दैट इज नॉट अ इट इज अ फेक पॉलिसी। ये केस में क्या होगा कि आपके पास जो पॉलिसी आएगी वो डायरेक्टली इंश्योरर के पास से आपके पास आएगी और उसके कारण ये पॉलिसी ऑथेंटिकेटेड होगी और वेरीफाइड होगी, तो कोई भी टाइप का फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। ये तीसरा फायदा है कस्टमर को। तो ये तीन मेजर फायदे हैं जो कस्टमर को होंगे डिजी लॉकर का इंट्रोडक्शन होने के कारण, और सारे इंश्योरर्स इसमें जब से अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा कस्टमर्स को। क्योंकि ये इंश्योरेंस जो कंपनियां, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सबको अब इंटीग्रेट करना है आईटी सिस्टम के थ्रू और ये पूरा एक बड़ा डेटाबेस बनाना है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक डेटाबेस है। पंकज जी, मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में बताएं, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि अभी एक नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी है जिसमें तमाम जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसका एक डेटाबेस बनाया जाता है। पहले ये आपसे समझना चाहेंगे इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम क्या है और ये जो डिजी लॉकर में इंश्योरेंस पॉलिसी रखने की बात कही गई है, क्या ये उसका एक्सटेंशन माना जाए या फिर ये एक अलग सिस्टम ही माना जाए? देखिए स्वाति, पहली बात यह है कि जो रिपोजिटरी है उसको समझ लीजिए जैसे डीमैट होता है, बिकॉज रिपोजिटरी वर्ड शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो बट आजकल डीमैट सब समझते हैं। तो जैसे शेयर्स खरीदने के लिए आप डीमैट का इस्तेमाल करते हैं और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट हो जाते हैं जब आप शेयर बाय करते हैं, इसी तरह से इंश्योरेंस में जो रिपोजिटरी है ये इंश्योरेंस का डीमैट अकाउंट है। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं तो आप अपना अकाउंट डिफरेंट रिपोजिटरी में खोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी तो वहां पर क्रेडिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिजी लॉकर जो है उसमें आपकी बहुत सारी चीजें एक जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि चीजें आसान बनाई जाए और सरकार के पास भी उसका एक्सेस हो, यानी कि जैसे मैं अगर बात करूं अगर डिजी लॉकर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, जबकि जो रिपोजिटरी है इंश्योरेंस का वहां पर सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी ही क्रेडिट हो पाएंगी, लेकिन अगर डिजी लॉकर की बात करें तो वहां पर आपका आधार, पैन, आपका गाड़ी के दस्तावेज, चाहे वो आरसी बुक हो, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। दूसरी बात ये है कि डिजी लॉकर में दो सुविधाएं, एक तो है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और दूसरा है कि डॉक्यूमेंट इश्यूड जो हुए हैं वो डायरेक्टली वहां पर आए हैं। तो जैसे रिपोजिटरी में क्रेडिट होते हैं इसी तरह से आपके जो भी पॉलिसी होगी डायरेक्टली वहां पर आ गई, और जो भी चीजें, चाहे वो हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हो या फिर आधार कार्ड हो या आपका इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट हो, अगर वहां डायरेक्टली गवर्नमेंट से या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे डायरेक्टली वहां पर आए हैं तो उनकी रिकग्निशन उतनी ही मानी जाएगी जितनी किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की होती है। तो ये एक बड़ा यहाँ पर अंतर है कि एक ही जगह पर सारे डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ से किसी को इश्यू करना है, आपको अगर अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी लेनी है या क्लेम लेना है तो उसके लिए भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहां से जो आपका डिजी लॉकर है वहीं से आप पॉलिसी को एक तरह से सबमिट कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हैं कि वहां डिजी लॉकर में है, आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए रिपोजिटरी के मुकाबले एक तो ये हो गया कि एक ही जगह पे ये सारी सुविधाएं हैं और दूसरी बात आपके लिए यह है कि ऑथेंटिकेशन ज्यादा है यहाँ पर। ये आपने पंकज जी एक्चुअली हमारे दर्शकों के लिए बात काफी अच्छे से क्लियर कर दी कि डिजी लॉकर जो है उसमें पहले से ही, अगर आपके पास, आप में से कई दर्शकों के पास पहले से ही अगर एक डिजी लॉकर अकाउंट होगा तो आपने उसमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है अपलोड किया हो, या फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट तक आप उसमें रख सकते हैं, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि आप उसमें स्टोर कर सकते हैं बहुत सेफली, सिक्योरली, और जहां पर भी दिखाने की जरूरत पड़ती, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अगर आपको रास्ते में कहीं पर दिखाने की जरूरत पड़ जाती है आप डिजी लॉकर के जरिए दिखा सकते हैं, फिजिकल किसी फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। पर महावीर जी,
ये जो हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें एक बार आपने स्टोर कर दिया तो उसमें ज्यादातर आमतौर पर बदलाव करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इंश्योरेंस जो हमारे दस्तावेज होते हैं कई बार हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, नॉमिनी है या एड्रेस है या कुछ है, तो क्या ये हम समझे कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक आसान रहेगा कस्टमर के लिए कि वो आसानी से डिजी लॉकर में रखे गए अपने किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को जब ये पूरी तरह लागू हो जाएगा उसको आसानी से बदल सकते हैं, इतना ये इजी रहेगा सिस्टम एक कस्टमर के लिए? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी इंश्योरर्स डिजी लॉकर के साथ बहुत सारे इंटीग्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब लास्ट चेक किया था तो 26 इंश्योरर्स 94 टाइप के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं डिजी लॉकर के साथ। अब जो फर्क आएगा ये वो आएगा कि बेसिकली IRDA ने अभी कहा है, ये पहले ही डिजी लॉकर का फैसिलिटी अवेलेबल था इंश्योरर्स के लिए कि वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब IRDA से ये एक टाइप का मैंडेट आया है कि सारे इंश्योरर्स को मैंडेटरीली हैव टू आपको जाके इंटीग्रेट करना है डिजी लॉकर के साथ, कस्टमर को आपको ये कन्वीनियंस देनी है। तो इसमें फायदा ये होगा कि सारे इंश्योरर्स जो आपने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो, स्टैंडर्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी टाइप की कंपनी हो, उसकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटीग्रेटेड होगी विद डिजी लॉकर। और उसका फायदा ये होगा कि सारी टाइम जब भी आपकी पॉलिसी चेंज होती है, आपकी पॉलिसी में कोई भी बदलाव आता है, जैसे आपने कहा कि आपने पॉलिसी रिन्यू कर दी और आपकी नई पॉलिसी आई, आपने सम इंश्योर चेंज कर दिया, तो वो अपने आप इंटीग्रेशन में अपने आप उसका फैक्टर इन होके आपकी पॉलिसी अपडेटेड ही रहेगी डिजी लॉकर में। ये सबसे बड़ा फायदा होगा ये जो IRDA मैंडेट का है कि इसमें दोनों सिस्टम्स मैरिड रहेंगे, और ये दोनों सिस्टम मैरिड रहने की वजह से, इंटीग्रेटेड रहने की वजह से आपकी पॉलिसी हमेशा अपडेटेड ही रहेगी। तो वो बहुत बड़ा फायदा अब होगा बिकॉज वैसे ही ये IRDA मैंडेट। अब क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा, जैसे आपने बताया कि कई जो ऑलरेडी इंश्योरर्स हैं उसमें उनके ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टम हैं वो डिजी लॉकर के साथ कोलैबोरेटेड है, पर पंकज जी अभी भी जो कि बची हुई जो कंपनी है, जो जैसा IRDA ने एक मैंडेट बोला है कि हाँ आपको ये डिजी लॉकर में रखना चाहिए और कस्टमर्स को इसके फायदे जरूर बताएं जिससे कि सुरक्षित उनकी पॉलिसीज रहें, तो ये जो पूरा IT सिस्टम आपको लगता है क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी या ऑलरेडी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि हाँ एक आसान तरीके से ये पूरा प्रोसेस आगे कंप्लीट हो जाएगा डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज का? मेरे हिसाब से लगता है कि कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि सभी इंश्योरेंस कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑलरेडी या आपके ये सॉफ्ट कॉपी तो ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इश्यू होती हैं। अगर रिपोजिटरी सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वहां पर भी ऑलरेडी पॉलिसी क्रेडिट हो रही है। उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी डिजी लॉकर में दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट कर रहे हैं या उनको लिंक किया हुआ है। और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, यहाँ पर दोनों फैसिलिटी होती है डिजी लॉकर में, अपलोड करने की भी और ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपने आ जाते हैं। जैसे कि जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपने आधार के जरिए अकाउंट में मतलब साइन अप करते हैं, इमिजिएटली आपका आधार कार्ड वहां पर अपने आप को दिखाई देता है, इवन आपका जो पैन कार्ड है वो भी ऑटोमेटिकली वहां पर क्रेडिट हो जाता है, तो आपको अपलोड नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, वो वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसका फायदा एक और भी है, जैसे कि आपको मालूम है कि कई बार आपने कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है वो भी आप प्रपोजर को नई पॉलिसी लेते समय उसका ब्यौरा देना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई गलती से भी, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक प्रपोजर जो है वो गलती से या भूल जाए या ना देना चाहे, किसी भी वजह से डिस्क्लोज ना करना चाहे, तो ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही जगह पर सभी जानकारी उपलब्ध है। उसने अगर 4 इंश्योरर से भी पॉलिसी ली हुई है तो वो इंफॉर्मेशन एक जगह पर अवेलेबल होगी, तो ये शायद भविष्य में शेयरिंग भी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके हिसाब से ये शायद फ्रॉड रुकेंगे, इन जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि पॉलिसी खो जाने का उन्हें डर नहीं है, कोई भी अपडेट होगा तो उनके पास अवेलेबल रहेगा। और जो बात हम लोग कर रहे हैं कि दिक्कत में कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध करा रही है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन करने वाली बात है, तो मेरे हिसाब से ये जल्दी ही शुरू हो जाएगा।
जी बिल्कुल। अब डिजी लॉकर जो आप में से कई लोग उत्सुक हैं समझने के लिए और जानने के लिए कि आप डिजी लॉकर कैसे खोल सकते हैं, क्या उसका वेबसाइट है, क्या पूरी प्रक्रिया है, ये भी हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो अब जल्द होगा आपका इंश्योरेंस डिजिटल, मतलब जो डिजी लॉकर है उसमें आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेज रख पाएंगे। बहुत जल्द ही इसकी जो सुविधा है आपको मिलेगी। और IRDAI ने तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको ये कहा है कि आप कस्टमर्स को इसके फायदे बताएं और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जल्द ही कदम उठाएं। हमारे साथ पंकज मठपाल हैं और साथ ही महावीर चोपड़ा जी भी हैं जो दोनों इसकी बारीकियों पर हमसे चर्चा कर रहे हैं। महावीर जी, आपसे ये समझना चाहते हैं और इनफैक्ट कई दर्शक जो हमसे जानना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में जो लोगों को परेशानी या झंझट होती है, जिस पर सबसे ज़्यादा समय लोगों का लगता है, वो पॉलिसी खरीदने में नहीं लगता बल्कि क्लेम प्रोसेस में लगता है। तो जैसे एक दर्शक हमसे समझना चाह रहे हैं कि जब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा तो कैसे एक कस्टमर को जो क्लेम जो प्रक्रिया होती है पाने की प्रक्रिया प्रोसेस को ये कैसे आसान बना सकता है। तो इसमें दो तीन जगह पे है जो फायदा हो सकता है। एक है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूजुअली वेटिंग पीरियड होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपने 4 साल अगर पॉलिसी कंटिन्यू की है तो आपको जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवर मिल जाता है। तो ऐसी वाली जो चीजें है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज में पहले ये सिस्टम था कि आपको 4 साल की पॉलिसी कॉपीज देनी पड़ती थी क्लेम्स के टाइम। तो इस केस में क्या होगा कि आपको कोई पॉलिसी कॉपी देनी नहीं पड़ेगी बिकॉज ये सारी आपकी डिजी लॉकर में मौजूद होगी। दूसरा जो फायदा है वो जो मैंने पहले कहा कि फ्रॉड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, कि आपको कभी भी ये इशू नहीं आएगा कि आपकी पॉलिसी है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अगर आपको किसी ने पॉलिसी दी है, आपको किसी ने ईमेल कर दी है, वो फेक है पॉलिसी, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी क्योंकि ये पॉलिसी डायरेक्टली इंश्योरर से डिजी लॉकर में ड्रॉप होगी डायरेक्टली इंटीग्रेशन होने के कारण। तो वो दो जो ये फायदे है ये क्लेम्स के कारण आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तीसरा तो ये है कि आपको क्लेम करने के टाइम पे पॉलिसी की जरूरत है, जैसे आप हॉस्पिटल में खड़े हैं या आप आपकी फैमिली है और लेट्स से टर्म इंश्योरेंस का क्लेम है, तो कितनी कई बार होता है ऐसे कि कस्टमर्स को पता ही नहीं होता है, जो नॉमिनी होता है उसको पता ही नहीं होता है कि कौन सी पॉलिसीज उनके जो 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 पर्सन है जिसने पॉलिसी खरीदी थी, जैसे जैसे उसकी वाइफ है या उनके पार्टनर है, उनको पता भी नहीं होता है कि कौन सी पॉलिसीज ली गई है और जिसका जिसका पेमेंट हो रहा है और एक्टिव है। तो इस केस में क्या होगा कि ये एक टाइप का लॉकर होगा जो अगर आप ओपन कर पाए तो आपको सारी पॉलिसीज का जानकारी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको कभी भी आपकी कोई आपको जो पॉलिसी ली गई है उसका अगर आपको क्लेम करना है तो वो नॉमिनी को कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसको सारी पॉलिसीज का इन्फॉर्मेशन एक शॉट में मिलेगा। जैसे आपने सुना ही होगा कि LIC का और सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का काफी सारा अनक्लेम्ड अमाउंट है, बहुत बड़ा रकम अनक्लेम्ड है। इसका एक रीजन ये भी है कि जब नॉमिनी को पता चलता है, जब डेथ होती है फैमिली में और नॉमिनी को पता चलता है कि अब उसको ढूंढना पड़ रहा है पॉलिसी और उसको सारे फाइल्स और यहाँ वहां डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन के कारण आपको शायद ईमेल अकाउंट में भी आपको ढूंढना पड़ेगा पॉलिसी। ये केस में डिजी लॉकर के केस में अभी वो सब नहीं होगा, आपको सिर्फ डिजी लॉकर में लॉग इन करना है और आप सारा जो पॉलिसीज है आपकी, जितनी भी पॉलिसीज है, सेविंग्स के कारण इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, टर्म लाइफ की पॉलिसीज और बाकी सारी जितनी भी पॉलिसीज, एक्सीडेंट की पॉलिसीज, वो सारी नॉमिनी को एक शॉट में अवेलेबल हो जाएगी क्लेम करने के लिए। ये सारे बहुत सारे फायदे है जो क्लेम्स के रिलेटेड हो गए डिजी लॉकर आने के कारण। पंकज जी के पास मैं जा रही हूँ, मैं क्विकली महावीर जी आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम जब भी कोई लॉकर खोलते हैं, अभी तो अपना गोल्ड रखने के लिए लॉकर खोलते हैं, डिजी लॉकर की जब यहाँ पर बात हो रही है, कोई नॉमिनल फी या चार्ज डिजी लॉकर के लिए होता है? नहीं नहीं, ये तो एकदम ही फ्री है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विस है। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है जो भी एंड्रॉइड या एप्पल के जो प्ले स्टोर पे, और आपको बेसिकली आपके आधार से ऑथेंटिकेट करना है, बस दैट्स ऑल, और आपको आपका डिजी लॉकर एक्टिव हो जाता है। तो आपको कोई भी टाइप का फी या कोई भी टाइप का कोई पेमेंट नहीं करना, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम डेफिनेटली इस तरफ भी हो सकता है कि डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिले इंश्योरेंस को। एक समस्या से पंकज जी जो अभी इंश्योरेंस सेक्टर हम ये कह सकते हैं जूझ रहा है वो ये है कि जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो पूरी तरह अब अभी भी देश में नहीं है, तो
बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस को, और अगर पूरी प्रक्रिया को अगर डिजिटाइजेशन के जरिए आसान बना दिया जाता है, आपको लगता है ये एक अच्छा कदम होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुंच जाएगी? स्वाति, ये कहना तो मुश्किल है कि क्या डिजिटाइजेशन करने की वजह से ज्यादा पॉलिसी में लोगों का भरोसा आएगा या लोग ज्यादा पॉलिसी लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं किसी भी तरह की, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस हो, कस्टमर्स को बहुत सुविधा होगी, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे अभी महावीर जी बात कर रहे थे कि जो क्लेमेंट है, जो भी आपका बेनिफिशरी है, उनको बहुत इजी हो जाएगा कभी भी अगर जरूरत पड़ती है क्लेम लेने के लिए। और उसके अलावा भी आप देखिए ना, अगर आपके पास मोटर इंश्योरेंस है, आप अपनी पॉलिसी कॉपी लेके जाना भूल गए, लेकिन रास्ते में आपको कहीं रोका गया और दिखानी है आपको अगर ट्रैफिक पुलिस को, तो आप इजीली अपने डिजी लॉकर में से दिखा सकते हैं। तो ये सुविधा एक बहुत इजी है, यही नहीं क्लेम के मामले में, पर कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ती है तो आप डिजी लॉकर से अपनी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो इस तरह से सुविधाजनक बहुत हो जाएगा। अब इसकी वजह से कितनी अवेयरनेस आएगी वो कह पाना भी मुश्किल है। उसके लिए तो सरकार को और इंश्योरेंस कंपनीज को मिलकर और ज्यादा कुछ इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर सुविधा की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है। हर तरह से इंश्योरेंस कंपनीज का खर्चा बहुत बचेगा इससे, जो पॉलिसी इशू होने में खर्चा आता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, उसको पोस्ट करना, कुरियर करना, वो सब खर्चे, या डुप्लीकेट पॉलिसी इशू करना, जिस तरह की चीजें होती है वो सब बच जाएगा। एक जगह पॉलिसी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी आसानी होगी, जो इंश्योर्ड पर्सन है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और उनके जो नॉमिनी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा। महावीर जी, आपसे इस पर राय जानना चाहते हैं क्योंकि आप काफी क्लोजली देखते हैं और समझते भी हैं कि हाँ कैसे कस्टमर को फायदा मिले ज्यादा से ज्यादा। और हम जब पेनिट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ अगर दायरा बढ़ाने की बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो डिजिटाइजेशन से एक बड़ा हम फायदा देख पा रहे हैं आने वाले समय में? ये जो स्पेसिफिक डिजी लॉकर है, इसका फायदा जो पंकज जी ने कहा वो काफी क्लोज है मेरा जो ओपिनियन है उसे। जैसे कि उन्होंने कहा कि सारी जो सुविधाएं है वो इससे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रखना बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर आप ओवरऑल डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो उसके तो बहुत ज्यादा फायदे है पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, उसकी कोई दो राय नहीं है। बेसिकली सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज की तारीख में जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है, स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे जो नए प्राइवेट प्लेयर्स है जो अच्छी पॉलिसीज कोई ला रहा है, वो पॉलिसीज का रीच ही नहीं है बियॉन्ड अर्बन जो सिटीज है उसके कारण। तो अगर आप टियर वन और अर्बन को छोड़ देंगे तो परसेंटेज ऑफ कंपनीज जो अवेलेबल है, जिनकी ब्रांचेस अवेलेबल है, और बिकॉज ब्रांचेस नहीं है इसलिए उसके एजेंट्स अवेलेबल है, वो बहुत कम हो जाती है जैसे आप टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर में जाते हैं। तो वो सारी जो पॉलिसीज है उसको अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, उसका एक्सेस बहुत बढ़ जाएगा, और उसके कारण एजेंट्स भी बन सकते हैं और कस्टमर्स भी बहुत ईजिली बन सकते हैं। तो कस्टमर के पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं पॉलिसीज खरीदने के, अलग अलग बेनिफिट के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, अलग अलग सर्विसेज के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। उसका फायदा तो बहुत ज्यादा है, डिजिटाइजेशन का बहुत ज्यादा फायदा है पेनिट्रेशन के लिए। पहले अगर 10 कंपनी अवेलेबल थी, अब बिकॉज ऑफ एक छोटा सा मोबाइल फोन जो हाथ में आ गया है कस्टमर के, और वो कहीं पे बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वो आज की तारीख में बिकॉज उसके पास इंटरनेट है और स्मार्टफोन है तो वो पॉलिसी खरीद पाएगा कोई भी कंपनी की जो इंडिया में लाइसेंस है। तो उसका फायदा तो डेफिनेटली है। ओवरऑल डिजिटाइजेशन का ये फायदा है कि एक्सेस बढ़ रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी जो ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है वो कंपनीज में, वो सिटीज में, उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। वो सारी कंपनीज नाउ अवेलेबल हो गई है इंडिविजुअल्स को जो टीयर थ्री टीयर फोर में रहते हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिकली बहुत बड़ा फायदा होगा एक्सेसिबिलिटी बढ़ने का और पेनिट्रेशन। तो फिलहाल डिजी लॉकर में इंश्योरेंस पॉलिसी रखने से आपको बहुत फायदे हैं, सुरक्षित आपकी पॉलिसी रहेगी, फिजिकल फॉर्म में आपको किसी को पॉलिसी दिखाने की जरूरत नहीं। और जैसा हमारे स्पीकर्स, हमारे जो आज के खास एक्सपर्ट, उन्होंने बताया कि जल्द एकदम ट्रांसपेरेंट पूरा प्रोसेस, जल्दी क्लेम प्रोसेसिंग प्रक्रिया, ये तमाम ऐसे फायदे हैं जो कि एक जगह पर एक ही तरह से आपको सुविधा पहुंचाने के लिए जल्द आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया महावीर जी, और बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।